हमारा ऑर्डर मूलचंद का पराठा। हेलो एवरीवन, तो आज हम आ चुके हैं यहाँ पे हुमायूं टॉम्ब पे, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, और अभी जाते हैं इसके अंदर और फिर दिखाते हैं आपको। चलिए यार, हियर हम टॉम के पास पहुंचने ही वाले हैं, और ये हमने गेट से एंट्री करी, और ये सामने है टॉम, हुमायूं टॉम आपके सामने। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा जय श्री राम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हुमायूं टॉम। आज मैं दिल्ली आया था, और हुमायूं का आपने नाम सुना ही होगा, मुगल के एक एम्परर थे, और जो इनका एक टॉम था, उनकी एक बेगम थी, उन्होंने बनवाया था, और जो पर्शियन आर्किटेक्ट थे, और ग्यास जी कुछ उनका नाम था, और उनके बेटे ने साथ मिलकर इसको बनाया था 1538 के अराउंड, और 1990s में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इसका नाम आ चुका है, और तब से इस पर मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, काफ़ी इस पर रेनोवेशन का काम हुआ है उसके बाद, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो बचा के रखना पड़ेगा। और काफ़ी मैंने इसके शॉट्स लिए हैं, टाइम लैप्स भी लिया है। मेजरली यहाँ पे से हिस्ट्री बताने लायक मुझे नहीं लगता कुछ है, बट ये इंडिया का सबसे पहला बाग ऑर्चर्ड मतलब काइंड ऑफ टॉम्ब थी, बाग है यहाँ पे, बहुत सारे ट्रीज लगे हैं, आप पीछे देख सकते हैं, इधर मैंगो ट्रीज है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बर्ड्स इतने सारे हैं यहाँ पे, पैरेट, और भी बहुत कुछ है मतलब यहाँ पे। तो ये एक उस टाइम का सबसे पहला बाग का टॉम्ब था, बाग था जिसमें। सो दैट्स ऑल, अभी हम और भी कहीं कहीं जाएंगे, आज ट्राई है दिल्ली का, तो मिलते हैं। थाड़ा आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोटस टेंपल, जो कि दिल्ली में है। अभी यहाँ मंदिर जाके आए थे, धूप काफ़ी तेज़ है, और अगर अंदर हम गए थे तो वहाँ पे सिर्फ सिटिंग का है, पूरा ऐसे सर्कुलर राउंड है, और बीच में कुछ नहीं है, ये बहाए हाउस ऑफ वर्शिप है, और भी इस तरह के और होंगे, और ये 1986 में यहाँ बनाया गया था। फेमस इसीलिए है क्योंकि ये लोटस की जैसा शेप है इसकी, 27 पेटल्स हैं टोटली, वाइट मार्बल से जो बनी हुई हैं, और 9 डोर्स जो कि एक सेंट्रल हॉल पे ओपन होते हैं, और वहाँ पे पूरा सर्कुलर में बैठने की जगह है। तो बस यही है, अंदर काफ़ी पीसफुल प्लेस है, एंड मतलब इतना पीसफुल है कि अगर आप थोड़ा सा भी साउंड करेंगे, कुछ भी विस्परिंग भी, वो भी बिल्कुल एंड तक सुनाई देगा। तो अगर वहाँ काफ़ी देर बैठो, रिलैक्स करो, तो ओवरऑल यही है, और बाहर सारा काफ़ी ग्रीनरी है बिल्कुल। सो यही है, अभी हम यहाँ से चलते हैं। सो थोड़ा तो हम यहाँ पे आए हैं अमर कॉलोनी में, नागपाल जी के छोले भटूरे खाने, जो कि बहुत फेमस है
पीछे आपको शॉप दिख रही है नागपाल कॉर्नर, और अभी वहीं चलते हैं, खाते हैं और बताएंगे फिर आपको कि कैसा है फीडबैक। तो हमने छोले भटूरे खा लिए हैं और अब हम जा रहे हैं मूलचंद के पराठे खाने। भूख काफ़ी लगी है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो छोले भटूरे से काम नहीं चला है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं बढ़िया से पराठे खाने। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं भी आया हूँ मूलचंद पराठे पे, और ये भाई साहब इतने फेमस हैं कि जो ऊपर यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो स्टेशन का नाम भी मूलचंद स्टेशन के नाम से है, मतलब स्टेशन का नाम है मूलचंद, तो मेट्रो में भी ऐसे बोलते होंगे अखला स्टेशन मूलचंद है। तो देख लो बंदे की पॉपुलैरिटी कितनी है कि यहाँ का एरिया, यहाँ का सब कुछ उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। तो अभी ऑर्डर कर दिया गया है, खाते हैं, देखते हैं, बताते हैं फिर आपको कैसा था। तो ये रहा हमारा ऑर्डर मूलचंद का पराठा, अब करते हैं ट्राई।